सवेर की हो रही बरसात तो बाद महानगर लुधियाना दे विच गली महल्या सड़कों के भरिया पानी सड़कों से पानी भरन नाल कई दुकानदारा राहगीरां नूं परेशानी का सामना करना पिया। लुधियाना के गिल रोड का तो बहुत ही माड़ा हाल देखने को मिला, जिथे थोड़ी जिही बरसात के नाल पानी इकट्ठा हो जाता गया ते सड़कां टुटियां होने कारण घटनावां होने की आशंका जताई जा रही है। हौली 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 चल दीदी वीरे चप्पल फाड़। सर कहना यह चाहते हैं कि जिस हिसाब का पंजाब का लुधियाना सिटी हैगा उस हिसाब से सड़क कुछ भी नहीं है, कूड़ा बिल्कुल जिम्मे कही कि एक टाउन एरिया होंगे जिते कोई मतलब डेवलपमेंट है नहीं। सर दिक्कत तो सामने है सर, डेढ़ फुट पानी भरया होया तो लोग जा रहे आ रहे, बस गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं की है की हो रहा नहीं हो रहा कुछ मतलब नहीं है। देखा जाता है कि हम कुछ डिवेलपमेंट के चांस लग रहे, सीएम चेंज हो गए सर, कुछ नहीं कह सकते, कुछ रिजल्ट आवे निकले तो अभी पब्लिक कुछ कहे ना कि हाँ कि यह चीज़ हैगी। देख लो जी धूरी तो आ रहे हैं, बुरा हाल है जी, नहर तो लेकर इतने चौंक तक जी। हाँ जी कहना चाहते हो प्रशासन? बस ठीक होना चाहिए जी। मेरी दुकान है कैंथ क्लॉथ हाउस, तो सवेर का मीह पै रहा, बुरा हाल है जी। सड़क पहले तो सड़क के टोए बहुत सी, अज मीह पैन के नाल ट्रैफिक जाम होना शुरू हो चुका है, कोई दुकान से गाहक नहीं, साड़ी तो अज की छुट्टी हो चुकी है। अच्छा बार बार सरकार को बेनती करता पंजाब पानी की निकासी किसी तरीके ने की जाए, सड़क बनाई जा जे गाहक ही नहीं आना जी, राहगीर तो आने नहीं, पानी का गोडे गोडे खड़ा, स्कूटर बच्चे फस जाता, मोटरसाइकिल बच्चे फस जाता जी, कार वाला बंदा गाहक उतर के नहीं आता दुकान से, क्यों गाहक थले पानी बहुत ज़्यादा, गाहक कार चो कितों उतरूगा। सानू तो बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है जी बरसातों के, साड़ा जीना दुब्बर हो जाता।